हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट रीड कर लिया था। नाउ एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 6। टिक द थिंग्स द चाइल्ड कैन सी फ्रॉम अप इन द एयर। आपको उन थिंग्स पे टिक लगानी है जो बच्चे हवा में देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं। जैसे हवा चलती है तो रिवर्स में बहता पानी चलता है ना, किसके कारण चलता है? हवा के कारण। तो टिक द रिवर, कैमल्स इसमें नहीं लगेगा टिक, फार्मर्स पे भी नहीं लगेगा, ट्रीज पे टिक लगेगा, क्योंकि जैसे ही हवा चलती है जो ट्री पे पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? हिलते हैं। किसके कारण हिलते हैं? एयर के कारण हिलते हैं। तो टिक द ट्री। गार्डन, गार्डन में भी जो ट्री वगैरह होते हैं वो हवा से क्या होते हैं, उनकी पत्ते वगैरह लीफ वगैरह हिलने लगती है, तो टिक द गार्डन। ऐसे ही रूफ, रूफ पे अपन क्या करते हैं, फैन लगा हुआ होता है तो वो चलता है, तो वो भी बच्चे देख पाते हैं, तो टिक द रूफ। स्कूल पे नहीं लगेगा, बुल्स पे नहीं लगेगा और सीज पे नहीं लगेगा। नाउ एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट टेल अस दैट द चाइल्ड लाइक्स बीइंग अप इन द एयर। आंसर, द चाइल्ड सेज दैट इट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग टू डू। द चाइल्ड सेज दैट इट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग टू डू। क्वेश्चन टू, व्हाट ऑल डज द चाइल्ड सी व्हेन द स्विंग गोज अप। What all does the child see when the swing goes up? Answer, the child sees river, trees, cattle, green garden and brown roof. The child sees river, trees, cattle, green garden and brown roof. Third, hey, what are the three colors mentioned in the poem? Answer, blue, green and brown. Blue, green and brown. Fourth है, what does each color describe? Answer, the sky is blue, the garden is green and the roof is brown. Fifth है, where is the swing? Answer, the swing goes up and down. तो आपको एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक्स।